हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनपैक करने वाले हैं तोशिम कंपनी का ये रबर डोर मैट, जिसे मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से एंड ये मुझे बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे मिला है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसा है ये डोर मैट, कैसी है इसकी क्वालिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, किस प्राइस ब्रैकेट में आप इसे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, डोर मैट हमारे घर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे डर्टी फुटवेयर को यही वेलकम करता है। तो अच्छी क्वालिटी का डोरमैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ में अगर आप इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें फॉलो कर लीजिए। हम वहां पर आपके लिए हर दिन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डील्स एंड ऑफर्स लाते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये हमें मिला है फ्लिपकार्ट की तरफ से। पैकेजिंग बहुत ही अमेजिंग की गई है। आप देख सकते हैं पूरा सिलेंड्रिकल शेप में ये है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए कट करते हैं इस पैक को एंड आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये तोसीम का रबर डोरमैट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डोरमैट हमें मिला है पैकेजिंग में। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का ये डोरमैट है। ब्लैक कलर में मैंने इसे परचेस किया है एंड ये जो साइज़ है ये है लार्ज। इसके अलावा ये मीडियम एंड स्मॉल साइजेस में भी अवेलेबल है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी परचेस कर सकते हैं। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो इसका जो विड्थ है वो है 45 सेंटीमीटर एंड लेंथ है इसका 75 सेंटीमीटर। तो अच्छा खासा बड़ा डोरमैट है। तो अगर आपका एंट्री गेट बड़ा है तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रबर्स है वो बाहर की तरफ पॉपअप है, जिसकी वजह से अगर आपका फुटवेयर डर्टी है तो उसे ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। इसके अलावा इसमें एक थैंक यू कार्ड दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, उसके साथ ही जो सेलर है उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर इस मैट की बात की जाए तो मैट की क्वालिटी टॉप नॉच है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया है। अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो मैंने इसे परचेस किया है सिर्फ 279 रुपीज का। जी हां, सिर्फ 279 रुपीज में मुझे यह लार्ज साइज का डोरमैट मिला है। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लिंक क्लिक करके इसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। एंड इस पैटर्न को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का पैटर्न होता है एंड बिल्कुल फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से आपका फुटवेयर बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है इस पैटर्न की वजह से। क्योंकि यहां पर अच्छे से आप देखिएगा कि ये जो रबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से पॉपअप हैं। तो हल्का सा ये ग्रास मैट की तरह काम करता है, लेकिन ये मैट जो है वो ग्रास मैट से अच्छा होता है, क्योंकि ग्रास मैट उतने अच्छे से क्लीन नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छे से आपके फुटवेयर को क्लीन करेगा। अगर इस मैट के बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसे एक्यूप्रेशर के लिए भी यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है ये एक्यूप्रेशर के लिए, क्योंकि उसी तरह से इसे बनाया गया है। उसके साथ ही ये स्लिप रेसिस्टेंट है। जी हाँ, ये वाले पैटर्न की वजह से ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है। बहुत सारे रबर मैट्स मिलते हैं मार्केट में जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होता है, लेकिन वो स्लिपरी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा, जो एक बहुत ही अमेजिंग बात है। तो ये जो मैट है ये सेफ भी है हमारे लिए। उसके साथ ही ये एंटी फटीग है, वॉशेबल है, रिसाइक्लेबल है, यानी कि आप इसे घर पर आराम से वॉश कर सकते हैं एंड ये ख़राब हो जाएगा तो इसे आप रिसाइकल भी करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैट है आपके घर के डोर के लिए। इसके साथ ही ये जो मैट है ये वाटर रेसिस्टेंट है एंड इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं इसे अपने घर में पिछले 3-4 सालों से यूज कर रहा था, वो फट गया तो मैंने दूसरा ऑर्डर किया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने इसे पर्सनली यूज किया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा डोरमैट ढूंढ रहे हैं अच्छी क्वालिटी में, देन ये प्रोडक्ट आपके लिए है। एंड ये जो डोरमैट है ये मॉड्यूल किया गया है नेचुरल रबर से, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है क्रैकिंग एंड इसमें स्लाइडिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं नीचे की साइड में भी परफेक्ट ग्रिप के लिए दिया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैक्शन बना रहता है एंड ये स्लिप नहीं होता।
होता है। एंड इस डोरमैट की खास बात यह है कि ये क्रैक नहीं होता है। बहुत सारा डोरमैट आता है मार्केट में जो कुछ टाइम के बाद क्रैक होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अच्छे रबर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आप कुछ इस तरह से इसे रोल कर पाइएगा जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता है एंड आप इसे लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब इसके वेट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इसका वेट है सिर्फ 1.8 ग्राम। जी हाँ, सिर्फ 1.8 ग्राम का है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये रोल हो जाता है कुछ इस तरीके से एंड आप कहीं भी इसे आराम से रख पाइएगा। इसके साथ ही अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल भी हो जाता है। तो ये इस मैट का बहुत ही अच्छा बात है। मैंने एक मार्केट में मैट देखा था जिसमें बीच में होल था, वो कुछ इस तरह से रोल नहीं होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे रखने में दिक्कत होती है। नीचे की साइड भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया हुआ है, ये ट्रैक्शन के लिए है। बहुत सारे मैट में इसे प्लेन छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से वो स्लिप होते रहता है, लेकिन इसमें ट्रैक्शन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही ये पैटर्न मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ये मल्टीपर्पज पैटर्न है जिसकी वजह से आप इसे एक्यूप्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे पर्पज के लिए इसे यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मैट की खास बात यह है कि आप साइड में देख सकते हैं कितना मोटा रबर है जिसकी वजह से ये इजिली क्रैक नहीं होगा। बहुत सारे मैट में इसे साइड में पतला सा दे दिया जाता है जो काफी ज्यादा क्रैक होते हैं एंड वो चीप क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये आपको कॉर्नर्स में काफी मजबूती प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से ये मैट काफी ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है। सो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो 279 रुपीज में अच्छा मैट है एंड मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। आपको कैसा लगा ये मैट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका बेस्ट वाला मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड दोस्तों, हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।